नांदेड़ जिले की मुखेड़ तहसील में एक सनसनीखेज घटना हुई है, जहां घर में किसी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मुसेरे दादा ने मंदबुद्धि लड़की से दुष्कर्म किया। मुखेड़ में पीड़ित लड़की का पिता वीरभद्र स्वामी की यात्रा में गया हुआ था। शहर के पोले नगर में रहने वाली 22 वर्षीय मंदबुद्धि युवती को 55 वर्षीय मारुति पांडलवाड़ ने घर में अकेले होने का फायदा उठाकर युवती से दुष्कर्म किया। इस घटना के बारे में जैसे ही परिवार वालों को पता लगा, मारुति पांडलवाल को बुरी तरह से पीटकर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया, वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। नवभारत समाचार नांदेड़ से नरेश तुप्तेवार की रिपोर्ट। नातेवाईक आल्याने ते तिचा मुलीचा बाप जे आहे ते पालखी धरायला गेलता वीरभद्राची। पालखी धरायला गेल्याने ते बघून सने आणि ते पोरगी मंद आहे, तिला बोलता येईना आणि सांगता बी येईना। ते अर्धा अर्धा गलीवाले बघले आणि माझ्याकडे आल्यामुळे मी गेलो, कवाडाला लात मारून सनी दार काढल्या, दार काढून त्याला बाहेर आणल्या, मारहाण केल्याने पोलीस स्टेशनला मी फोन केलो। पोलीसवाल्यानं येऊन सनी शिंदे साहेब ते येऊन भारतीय साहेब शिंदे साहेब येऊन त्याला घेऊन गेले, त्याच्यावर 376 गुन्हा दाखल केले। अशा व्यक्तीनं काय करायला पाहिजे? काय नाही, त्याला फाशी द्यायला पाहिजे, असे करू राहिले की नाही त्याला फाशी द्यायला पाहिजे। हा, येडसर माणसाला भिले नाही तर चांगल्या माणसाला भीतात का करायला देणं? काय ते घरात एकटीच होती का? घरात एकटीच होती, आई नाही काही नाही, आई वारलेली आहे ते याची आणि बाप तेवढा राहते। 7 पोरी आहेत, 5 पोरीचे लग्न केले आम्ही, असं चंदापट्टी करून लग्न केल्या 5 पोरीचे, ते येडसर असल्यामुळे त्या पोरीचं केले नाही। आणि एक नंदगी छोटी पोरगी राहते, ते बापा संग होती, पालखी धरा राहिला। ते वीरभद्राचा मान आहे ना, यात्रा आहे, हा यात्रामुळे त्याचा मान आहे पालखीचा, ते धरायला गेल तिथे। मुखेड़ शहर में क्या वारदात हुई सर? मुखेड़ शहर के पुले नगर में एक मुंगी बहरी लड़की के साथ उसके रिश्तेदार ने जोर जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया, उसके खिलाफ वापस रजिस्टर कर दिया है, उसको अरेस्ट किया हुआ है, आगे की जांच चल रही है। सर कौन सी धारा लगाई है? सर 376(2)(m) और (n) ये धारा बनाई हुई है, उसके बाद कस्टडी में है।